फैसला कि सेकंड एप्लीकेशन के आगे आपको थर्ड एप्लीकेशन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेस्ड पैरेलल टू इनफिनाइट प्लेन शीट। अभी आपने जो फाइंड की इलेक्ट्रिक फील्ड, वो केवल सिंगल प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया आपने। अब यहाँ पर टू प्लेन शीट्स हैं जो यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, इनफिनाइट लेंथ की भी हैं, मींस इनलार्ज हैं, बहुत बड़े हैं, और उन दोनों को कैसे प्लेस्ड किया गया है, पैरेलल प्लेस्ड किया गया है। तो जब दो शीट्स को हम पैरेलल प्लेस्ड कर देते हैं, तो पैरेलल प्लेस्ड करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए, हम टॉपिक एक ले रहे हैं और इससे आपको प्रूवमेंट दो एक साथ कराने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ध्यान रखें बार बार, अगर हमारी प्लेट हैविंग पॉजिटिवली चार्ज है, उस पर प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से आउटवर्ड होगी, और अगर उस सीट पर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड मींस माइनस चार्ज की ओर होगी। तो डायरेक्शन पर विशेष फोकस करेंगे, और डायरेक्शन पर फोकस कर देंगे तो बड़ा इजीली टॉपिक निकल आएगा। अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। ठीक है, तो ध्यान देंगे। देखिए, एक हमारी सीट यह हो गई जिसको हमने फर्स्ट सीट मान लिया, ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है इस पर। एक हमने दूसरी सीट ले ली, सेकंड सीट, और इस सेकंड सीट पर भी हमारा क्या है, प्लस चार्ज है। क्या है? प्लस चार्ज। तो लेट अस कंसीडर इनफिनाइट प्लेन सीट यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज सीट फर्स्ट एंड सेकंड विथ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। माने सीट प्लेन सीट फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, सीट टू के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है बेटा, E2 है। अब इन दोनों बॉस सीट्स को पैरेलल प्लेस्ड कर दिया गया है। पैरेलल प्लेस्ड कर देने के पश्चात हम इसके तीन पॉइंट की इमेजिन करते हैं। एक पॉइंट हमारा P है, एक पॉइंट हमारा Q है, और एक पॉइंट हमारा क्या है, R है। इन तीनों पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखिए, तीनों पॉइंट पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। पॉइंट P पर आ जाते हैं, सीट फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये प्लस है, प्लस से बाहर की ओर होगी, अर्थात E1 इज आउटवर्ड, E1 इज आउटवर्ड या अवे फ्रॉम द प्लस चार्ज। सीट सेकंड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से दूर होगी ना, तो जब प्लस चार्ज से दूर होगी तो ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी E2 की, इसकी हो जाएगी E2। अब Q पॉइंट पर आ जाते हैं, तो Q पॉइंट पर ये प्लस चार्ज है, इससे बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, सेकंड सीट के अकॉर्डिंग प्लस चार्ज है इलेक्ट्रिक। पॉइंट R पर देखते हैं, ये प्लस है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर E1, सीट टू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर E2। ये डायरेक्शंस मिल गई। अब देखिए सर, प्रूवमेंट आपकी एकदम से क्लियर हो गई, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, अर्थात दोनों को प्लस कर देंगे पॉइंट आर पर। पॉइंट क्यू पर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस कर देंगे, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस कर देंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी टू सीट फर्स्ट E1 इज इक्वल सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
अवे फ्रॉम द सीट फर्स्ट ई टू इज इक्वल सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये भी अवे फ्रॉम द सीट सेकेंड, दोनों डायरेक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है। तो दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं, ई वन एंड ई टू, ई वन एंड ई टू इन अपोजिट डायरेक्शन, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी E इज इक्वल ई वन माइनस ई टू सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सो ई वन की वैल्यू देखेंगे बेटा, सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, वेयर सिग्मा वन इज इक्वल सिग्मा टू, सो ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो, ई इज इक्वल जीरो। तो बाथ द प्लेट बिटवीन बाथ द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल जीरो। अब सेम इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा बेटा, ई वन इज इक्वल सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम द सीट फर्स्ट, ई टू इज इक्वल सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू ई इज इक्वल ई वन प्लस ई टू, अर्थात सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, अर्थात ई इज इक्वल वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, तो अब सेम इसी प्रकार सो इन एट अ पॉइंट आर, एट अ पॉइंट आर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम प्रोसेस टू एट अ पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, ई वन इज इक्वल सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम द सीट वन, ई टू इज इक्वल सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट अवे फ्रॉम टू सीट टू, सो ई इज इक्वल ई वन प्लस ई टू, अर्थात सिग्मा वन प्लस सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड